अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद डॉक्टर यू यूटी लेक्चर्स को। आज हम बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड के हवाले से। दोनों में नाक तो बहता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में राइनोरिया। तो ये नाक का बहना कैसे आपको बताएगा कि आपको कॉमन कोल्ड है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है? वो ऐसे क्या आपने देखना है कि भाई अगर नाक जो है वो इची, यहाँ पर मतलब आपको सिवियर टाइप ऑफ इचिंग हो रही है नाक में और आईज में भी, और साथ में वाटरी आईज भी अगर हो, तो मतलब आपके आईज और नाक बह रहे हैं और साथ में इसमें आप इचिंग फील कर रहे हो, तो ये पॉइंट इंडिकेट करेगा भाई कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है। अगर ये नहीं है, नाक बह रहा हो या फिर आंखों से भी थोड़ा बहुत आपको बहाव महसूस हो रहा हो लेकिन इची फॉर ए फीलिंग नहीं है, इचिंग नहीं कर रहा है, तो वो कॉमन कोल्ड के सारे सिम्टम्स में आपको पुट करे, वहाँ पर आप उसको कॉमन कोल्ड की कैटेगरी में उस पर्टिकुलर पेशेंट को पुट करेंगे। अगर इचिंग फील होगा उसको आंख में और नोज में, तब उसको आप पुट करोगे एलर्जिक राइनाइटिस की कैटेगरी में। दैट इज़ द पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है एलर्जिक राइनाइटिस को कॉमन कोल्ड से। आई होप बात समझ आ गई आपको, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर यू यूटी लेक्चर्स।